प्रोटेक्टिव लेयर की, इट विल नॉट बी अलाउइंग एनीथिंग, ठीक है। उसी तरीके से विल ऑल्सो हैव अ टर्म विंटर किल विच विल सी लेटर ऑन। विंटर किल में क्या होता है, आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म विंटर किल? विंटर किल में क्या होता है कि यू सपोज यू हैव अ स्नो, ठीक है, एंड एक आइस का कवर हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ योर वाटर बॉडीज, ठीक है, बी इट योर ओशंस बी इट योर लेक्स। तो पूरा जब आइस का एक कवर हो जाता है तो वॉट इट अफेक्ट्स इज इट अफेक्ट्स योर सनलाइट टू क्रीप इन, ठीक है। बाकी और कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं हो पाती है, बट स्टिल यू हैव अ पार्ट ऑफ मरीन लाइफ विच वॉज ऑलरेडी देयर। सो वॉट दे विल डू इज दे ट्राई एंड सर्वाइव इन दैट वाटर फॉर क्वाइट सम टाइम। लेटर ऑन वॉट यू फाइंड कि बिकॉज देर वॉज नो इंटरेक्शन, स्लोली एंड स्लोली द ऑक्सीजन विल डिप्लीट, ठीक, ऑफ लेक। सो ऑल दोज मरीन लाइफ दे विल डाई एंड दे विल फ्लोट जस्ट बिलो योर आइस, ठीक है। एंड लेटर ऑन जब आपका समर आता है, इन दैट समर वेन आइस मेल्ट्स, तो जस्ट बिलो योर आइस यू विल फाइंड ऑल द मरीन लाइफ टू बी फ्लोटिंग, ठीक है। सो दैट टर्म विल कॉल इट एज योर विंटर किल, ठीक है। सो दैट अगेन विल हैव द इफेक्ट, ये अभी जो इफेक्ट है वी आर सीइंग इट ओनली ऑन योर प्लांट्स, ठीक है। जब आप एनिमल्स में देखेंगे तो यू विल फाइंड कि विंटर किल विल हैव अ इफेक्ट ऑन योर प्लांट्स, मतलब फॉर ऑन योर एनिमल्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर एक जो आपका होता है इन टर्म्स ऑफ कि हु कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स योर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जब आप प्रोटीन को कंसिडर करते हैं, प्रोटीन इज मोर एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर ऑफ योर एनर्जीज, ठीक है। कि टेम्परेचर में आप जो देखते हैं कि यू हैव कि प्रोटीन्स दे डू नॉट कोगुलेट ऑन योर हाई टेम्परेचर, ठीक है। कि जब भी आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड कि प्रोटीन्स विल कोगुलेट, हेंस यू विल हैव लेस एनर्जी विच विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो यू ऑल्सो हैव फाइंड कि हाई टेम्परेचर विल रिजल्ट अ मिसमैच या इनबैलेंस बिटवीन योर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपके फोटोसिंथेसिस में इट ऑल्सो अफेक्ट्स। देन नेक्स्ट इज योर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हमने देखा था, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में जब आप जाते हैं तो वी हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन आर योर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आर दोज कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्या कहते हैं एनवायरमेंट विच प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड्स, ठीक है। फ्रॉम योर ऑल दिस अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स दे ट्राई एंड प्रोड्यूस योर ओन फूड एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, बी इट आइदर इन, हम आगे जब देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर में, बी इन योर फूड चेन फूड वेब एनर्जी पिरामिड्स, हर जगह जो आपका सबसे पहले जो प्रोड्यूस करेंगे विल बी योर ऑटोट्रॉप्स, और ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट आपके जितने भी होंगे विल बी योर हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। यू हैव ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है। ऑल्सो इन दिस वी विल हैव अनदर टाइप विच विल बी सर्वाइविंग ऑन योर डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डेट्रिवोस विल कॉल दोज, ठीक है। दोज अगेन विल बी योर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो वी हैव इन टर्म्स ऑफ दिस कि किस तरीके की आपकी कैटेगराइजेशन इज देयर। सो सबसे पहले यू हैव हर्बीवोर्स आर योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे वी हैड योर प्लांट्स स्पेशली टू बी योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सो द फर्स्ट लेवल इज योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन यू हैव सेकेंडरी, देन यू हैव टर्शरी, ठीक है। इस तरीके से आपका एक एक लेवल अप होता है इन टर्म्स ऑफ योर बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज विच ईट्स योर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। आपके जो प्लांट्स वगैरह को जो खाते हैं, ठीक है, दे आर टर्म्ड एज योर प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन यू हैव इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच फीड ऑन दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। देन यू हैव टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, विच ईट बोथ योर प्राइमरी एज वेल एज योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सो यूजुअली यू विल फाइंड कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं दे विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर फूड चेन, और यूजुअली क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि एनर्जी जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, कि एनर्जी जो है इट इज़ ए 10% रूल जो हम बाद में देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो है हर अगली स्पीशीज में जब ट्रांसफर होती है इट डिक्रीजेस ऑलमोस्ट 90% इज लॉस्ट 10% इज ओनली ट्रांसफर्ड। दिस इज द रीजन यू विल नॉट फाइंड मोर नंबर ऑफ क्या कहते हैं लेवल्स, ठीक है। यू विल हैव मैक्सिमम मेरिज योर टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इसके ऊपर आपको कंज्यूमर्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विच आर अबव योर टर्शरी लेवल। सो दिस इज
व्हाट वी मेंट, ठीक है, कि आपका दीज आर योर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, दे आर योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड दिस विल बी योर एसोसिएटेड फूड चेन, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है. He will die and then the your debt reverse. Karma, karma, I guess. जो खाया है सब निकालो. ठीक है. Then you have all these micro consumers जो हमने अभी discuss किया था, especially your decomposers, debt reverse, जिसको हम लोग cephalotrophs भी कहते हैं. ठीक है. So these species they eat on your dead organisms, ठीक है, dead organic matter वगैरह में they are there, so ठीक है, they obtain your energy from your dead organisms, ठीक है, examples are all these things, ठीक है. So you are clear about your components, components clear हो गए broadly, किसका क्या effect होगा वो clear हो गया आप लोग को, है ना. तो ये जो है अभी तक आई होप कि दीज विल नॉट बी आस्ड, ठीक है, इतना ईजी थिंग्स विल नॉट बी आस्ड, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन स्पेशली फॉर योर स्टेट सर्विसेज, कि हु हैज कॉइंड दैट टर्म, इकोलॉजी का जो टर्म है हु हैज कॉइंड इट, सो इट वॉज कॉइंड बाई योर अर्नस्ट हेकल, ठीक है. सो इकोलॉजी इज मेनली फ्रॉम योर टू वर्ड्स, ओइकॉस एंड लोगोस, ठीक है. ओइकॉस इज योर ग्रीक वर्ड विच मीन्स योर होम, लोगोस इज अ जनरल टर्म कि आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो डेट इज टर्म्ड एज योर लोगोस, ठीक है. तो जो इकोलॉजी आपका आता है इट इज़ फ्रॉम दीज टू टर्म्स, कि आपका ओइकॉस प्लस लोगोस से आता है, इट वॉज फर्स्ट यूज बाई योर अर्नस्ट हेकल, ठीक है. इट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप उसमें देखेंगे, ठीक है. देन वील मूव टू द डिफरेंट levels of organizations, ठीक है. इस तरीके का आपका organization है अगर आप ecology में देखेंगे. We'll start from first, ठीक है, सबसे नीचे से आपको as you move up ये आपका accumulate होता जाएगा, ठीक है. कि what do you mean by a species, then you have population, then you have a community, then you have ecosystem, biome है ना, biosphere, ठीक है. इस तरीके से जब आप देखते हैं तो each individual जो पहले आ रहा है it is a subset of other, ठीक है. इस तरीके से आप जब देखते जाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली डू दीज मीन्स, तो स्पीशीज और इंडिविजुअल से विल स्टार्ट, ठीक है. सो दीज आर योर वेरियस लेवल्स इन योर इको सिस्टम. तो इंडिविजुअल या फिर स्पीशीज की जब आप बात करते हैं, सो वी डिफाइन देम टू बी स्पीशीज विच आर एबल टू परफॉर्म एनी थिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कि जो उस इको सिस्टम में रह रहे हैं एंड इफ दे आर एबल टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दोज वी टर्म इट टू बी अ इंडिविजुअल और दोज वी टर्म इट टू बी अ स्पीशीज, ठीक है. तो यू कैन हैव कि दीज स्पीशीज आर एबल टू डू योर इंटरब्रीडिंग, ठीक है, और बी यू हैव दे आर एबल टू डू योर रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड दे आर कंसिडर टू बी योर मोस्ट बेसिक थिंग्स. तो अब अगर आप एक स्पीशीज को क्लब कर देंगे यू विल गेट इज योर पॉपुलेशन, ठीक है, कि जैसे आप देखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस किस तरीके के है, पॉपुलेशन ऑफ इसका किस तरीके से है, तो यू विल हैव कि अ कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स. हमने देखा था कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स थे या स्पीशीज थे दे हैव दिस प्रॉपर्टी कि यू विल हैव इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग्स देम, है ना. तो जो इंटरब्रीडिंग होगी वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे पॉपुलेशन जब आप जब भी डिस्कस करते हैं यू ऑलवेज स्पेसिफाई कि किसकी पॉपुलेशन, ठीक है, कि जैसे यू हैव कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इफ़ यू मीन, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली यू मीन, एंड ऑलवेज यू स्पेसिफाई अ टाइम कि अकॉर्डिंग टू विच सेंसस यू मीन, ठीक है. 2011 सेंसस हो गया, 2018 अपडेटेड हो गया. तो पॉपुलेशन के लिए ऑलवेज यू नीड कि जो स्पीशीज है दे शुड बी सिमिलर, ठीक है, कि दोज विल हैव टू बी सिमिलर, दे नीड टू हैव अ डिफाइंड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. सो पॉपुलेशन विल ऑलवेज विल बी अ कम्युनिटी ऑफ योर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स विच विल बी ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम,
कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही पॉपुलेशन आप जो है इसको डिफाइन करेंगे. एंड यू विल फाइंड कि यूजुअली जो इंटरब्रीडिंग होती है, मोस्ट ऑफ द इंटरब्रीडिंग आर डन विथ ऑलमोस्ट योर सिमिलर जीन्स. ठीक है, जिस तरीके का आपका जीन्स है उसी में आपकी इंटरब्रीडिंग ज़्यादा होती है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि जैसे आप अगर आप इंडियंस देखेंगे, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस, या हमारा जो जीन्स है से ऑफ योर साउथ एशियन पीपल, दे विल ट्राई एंड इंटरब्रीड अमॉन्ग्स देमसेल्व्स ओनली. ठीक है, उसी तरह चाइनीज का हो जाएगा, उसी तरह यूरोपियंस का होगा, अफ्रीकन्स का होगा. यू विल हैव कि पीपल हु विल इंटरमिक्स, बट दैट इंटरमिक्सिंग विल बी वेरी मिनिमल. ठीक है, मोस्ट ऑफ योर इंटरब्रीडिंग विल बी विद इन योर ओन स्पीशीज. ठीक है, विद इन योर ओन काइंड ऑफ जीन्स. ठीक है, उसी तरीके में आप जो ब्रॉडली यू विल फाइंड दिस टू बी ट्रू इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स में आपको जो है ये दिखेगा कि दे ऑलवेज इंटरब्रीड अमॉन्ग्स देमसेल्व्स. तो स्पीशीज हो गया, पॉपुलेशन हो गया, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ योर कम्युनिटी. ठीक है, कम्युनिटी इज यूजुअली एसोसिएटेड कि एक एरिया है जहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन रह रही है, एंड वी नेम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम द डोमिनेंट स्पीशीज विच इज़ फाउंड देयर. कि कौन सी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है विच इज़ डोमिनेंट, एंड ऑलवेज विल फाइंड कि जो आपका प्रोड्यूसर्स हैं दे विल ऑलवेज बी द डोमिनेंट स्पीशीज. कहीं पे भी आप अगर देखेंगे, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ओनली विल बी ईटन बाई योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ऑलवेज द लॉजिक शुड बी कि आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं दोज विल ऑलवेज बी इन योर मोर लार्जर क्वान्टिटी. जैसे अगर आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं से इन ग्रासेस हो गया, या फिर आपका कोई भी फ्रूट्स हो गया, ठीक है, प्लांट्स वगैरह हो गए, तो उन्हीं को जो है आपके बाकी हर्बीवोर्स विल ईट. ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में यू विल ऑलवेज हैव अ डोमिनेंट स्पीशीज टू बी योर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, जिसको आप ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. तो इसीलिए जो कम्युनिटी होती है दिस हैज दिस कि दे आर नेम्ड आफ्टर योर मोस्ट डोमिनेंट प्लांट फॉर्म. ठीक है, कि जैसे हमने अभी तक देखा था जब भी हम बायोम्स का डिस्कस कर रहे थे, दिस वॉज द रीज़न वाई वी आर नेमिंग मोस्ट ऑफ द बायोम्स बेस्ड ऑन योर प्लांट स्पीशीज. ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हमने डिस्कस किया था. ठीक है, वी आर डिस्कस्ड योर सवानास, वी आर डिस्कस्ड योर ग्रास लैंड बायोम्स. ठीक है, आप देखेंगे इंडिया के टर्म्स में वी आर डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ योर डेसीडियस ट्रीज, यू हैव मॉइस्ट डेसीडियस ट्रीज, यू हैव ड्राई डेसीडियस ट्रीज, है ना. मैनग्रूव्स को अलग बायोम आपका आ जाता है. सो यू विल ऑलवेज फाइंड कि जो नेमिंग जो आपका आता है इट इज़ मोर एसोसिएटेड विथ योर प्लांट स्पीशीज, कि कौन सी प्लांट स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेट कर रही है. ठीक है, देन नेक्स्ट, ठीक है, विल हैव इज योर ऑल दिस मेजर एंड योर माइनर कम्युनिटीज. ठीक है, तो मेजर कम्युनिटीज की जब आप बात करते हैं तो मेजर कम्युनिटीज आर दोज कम्युनिटीज विच आर लार्जली इंडिपेंडेंट, की दोज दे कैन सर्वाइव अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, कि किसी और बाहर की ज़रूरत उन्हें नहीं है. स्पेशली आइदर दे नीड इज योर सनलाइट एंड वाटर, बस उन्हीं चीज़ों की इनको आउटसाइड से ज़रूरत होती है टू सर्वाइव, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. से इन केसेस ऑफ योर फॉरेस्ट यू विल फाइंड दीज थिंग्स. ठीक है, बाकी आपको प्लांट्स वगैरह में आपको दिखेगा जो हम डोमिनेंट स्पीशीज़ की बात करें, वेर एज माइनर स्पीशीज़ में यू विल फाइंड कि दे आर डिपेंडेंट ऑन योर नेबरिंग कम्युनिटीज. ठीक है, अगल बगल की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर दे आर डिपेंडेंट टू सर्वाइव. ठीक है, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज योर मैट ऑफ लिचन ऑन अ काउ डंक. ठीक है, तो यू हैव अ मैट ऑफ लिचन्स विच सर्वाइव ऑन योर काउ डंक्स. ठीक है, विल सी दिस इज अ टाइप ऑफ योर रिलेशनशिप. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. ठीक है, जैसे हम देखेंगे कमेंसलिज्म इज पार्ट ऑफ मेंसिलियम. ठीक है, वो हम जब देखेंगे तो उसमें जो मैट ऑफ लिचन एंड काउ डंग इज अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. जब आप क्या कहते हैं इस तरीके से सर्वाइव करेंगे बिकॉज योर काउ डंग विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, उनको कोई फायदा नहीं है काउ को, है ना, बट द लिचन्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम योर काउ डंग्स. ठीक है, सिमिलरली यू विल सी दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स अभी हम जब आगे देखेंगे. द ग्रेटर ऑफ योर कम्युनिटीज. ठीक है, अगर एक कम्युनिटी थी तो उसका अगर आप ग्रेटर सेट देखेंगे सो इट विल बी योर इकोसिस्टम. ठीक है, तो इकोसिस्टम विल हैव वेरियस डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरैक्ट विथ ईच अदर, है ना. तो जब भी हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम, वी हैव सेड कि इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर फंक्शनल यूनिट, है ना, कि एक एनवायरमेंट में जहाँ पे भी आपका इंटरैक्शन हो रहा है वो उसको जो है वी आर टर्मिंग इट एज योर इको सिस्टम्स. ठीक है, देन यू हैव अ लार्जर ऑफ योर इको सिस्टम इज योर बायोम्स. ठीक है, कि इन बायोम्स यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ योर
इकोसिस्टम्स, ठीक है, एक बायोम में आपके बहुत अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स आर देयर, ठीक है. देन यू हैड योर बायोस्फीयर विच एनकम्पासेस ऑल योर बायोम्स, ठीक है, आपके जो सारे बायोम्स को एनकम्पास करता है, इट बिकम्स योर बायोस्फीयर. ठीक है, क्लियर हो गया कि लेवल ऑफ योर बायोटिक स्पीशीज है ना, फ्रॉम योर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के बाद क्या था, पॉपुलेशन वॉज देयर, है ना, पॉपुलेशन के बाद में वॉज योर कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद बायोस्फीयर. ठीक है, देन वील मूव ऑन टू योर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी. प्रिंसिपल्स में वील सी कि देर आर वेरियस टर्म्स, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन फ्यू ऑफ दीज, ठीक है, विल क्विकली रिवाइज. वन ऑफ द मेजर इज योर अडेप्टेशन, ठीक है, आप इकोलॉजी में आप देखते हैं तो अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग इकोसिस्टम या बायोम्स में आप देखते हैं कि प्लांट एंड एनिमल्स दे बोथ अडेप्ट कि किस तरीके का आपका वहाँ पे है. ठीक है, तो यू विल हैव कि देर इज अ स्ट्रक्चर, देर इज अ फिजिकल चेंज आपको दिखता है उसमें, और देर इज अ फंक्शनल चेंज ऑल्सो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो दोज यू विल फाइंड कि दे हैव अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर प्लेस व्हिच दे आर लिविंग. सो सच टाइम ऑफ चेंज वी टर्म इट एज योर अडेप्टेशन. ठीक है, हमने जो है इसको अलग अलग बायोम्स में जब हमने देखा था, वी हैव डिस्कस दिस, लाइक इन केसेस ऑफ योर ट्रीज ग्रोइंग हायर. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो वी से कि योर ट्रीज विच आर ग्रोइंग हायर, ये हमने किसमें देखा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे योर ट्रीज वर कम्पीटिंग फॉर सनलाइट, है ना, बारिश तो सबको मिल जा रही थी, द ओनली डिफिशियंसी वॉज ऑफ योर सनलाइट, तो उसी की वजह से यू आर फाइंडिंग की ट्रीज वर ग्रोइंग हायर. सिमिलरली यू हैड योर जिराफ हुज नेक बिकेम लॉन्गर बिकॉज एंड ऑल्सो टू सी एक्चुअली टू प्रिवेंट फ्रॉम, बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड इन योर grasslands, ठीक है, सवाना grasslands में आपको जिराफ ज़्यादा मिलते हैं. सो दैट वॉज देयर अडेप्टेशन कि दे कैन सी फ्रॉम योर लॉन्गर डिस्टेंसेज कि आपको दूर से आपको दिख जाएगा. इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट योर जिराफ, यू विल सी दैट कि आपके जो अप्रोच हो रहे हैं प्रेडेटर्स, ठीक है, तो यू कैन रन. वेन यू सी दैट वीडियो ऑफ जिराफ रिप्रोड्यूसिंग, इट इज द ओनली स्पीशीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे बच्चा जब आपका आता है तो मदर इज स्टैंडिंग, ठीक है, शी विल नॉट सिट. ठीक है, बाकी हर जगह यू विल फाइंड कि योर मदर इज सिटिंग. तो जिराफ में जब आपका बच्चा जब नीचे आता है तो मदर इज स्टैंडिंग. बच्चा जब नीचे गिरता है तो फर्स्ट थिंग शी डज इज शी किक्स. सबसे पहले चीज़ जो है वो यही करती है टू मेक श्योर ही हैज़ इन दैट हैबिट कि आपको दौड़ना है. ठीक है, आपकी आदत में ये नहीं आना चाहिए यू गो एंड सिट, ठीक है, बिकॉज यू आर लिविंग इन दैट टाइप ऑफ बायोम कि जहाँ पे आपको सर्वाइव करना आना चाहिए. तो दे सर्वाइव मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर किक्स ओनली, ठीक है, दे आर द स्ट्रेंथ इन देयर लेग्स. ठीक है, उसी की वजह से दे टैकल ऑल दोज प्रीडेटर्स. ठीक है, तो वो जो दोनों अडेप्टेशन है टू रन एज वेल एज टू हैव द स्ट्रेंथ इन देयर लेग्स, वो स्ट्रेंथ आपका आएगा जस्ट बाई रनिंग. ठीक है, ऑल दोज स्पीशीज विच रन वेरी फास्ट यू विल फाइंड देयर लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, जितने भी आप स्पीशीज देखेंगे, सो ऑल दोज दे हैव लेग्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन यू विल हैव. देन अगेन यू विल हैव कि इन केसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ वाटर, हमने ये देखा था डेजर्ट्स का अडेप्टेशन में, ठीक है, स्पेशली इन योर कंगारू रैट हमने देखा था कि दे विल नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग देयर होल लाइफ टाइम, है ना, तो उसी तरीके से यू विल हैव कि दे विल गेट योर अडेप्टेशन. ऑल्सो यू विल हैव कि देर इज अ बिहेवियरल अडेप्टेशन कि यू विल हैव स्पीशीज विच विल मूव टू लेशर हार्शर कंडीशंस. ठीक है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा था इन सवानास, देर वॉज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन, जब पानी की कमी हो जाती है एवरी वन विल मूव टूवर्ड्स योर वेटलैंड्स, और एल्स इन केसेज ऑफ पोलर बियर्स, ठीक है, यू विल फाइंड कि आइदर दे विल कम डाउन, ठीक है, इन योर लोअर लैटिट्यूड्स जब ज़्यादा आपकी ठंडी होगी, और एल्स दे विल गो इन केव फॉर योर हाइबरनेशंस. ठीक है, सो हाइबरनेशन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ अडेप्टेशन. ठीक है, वी विल सी दैट. Whereas your behavioral is कि you move to different places, ठीक है, जैसे you will find in terms of your क्या कहते हैं जिसको cattle herders are there,
है ना, सो दे ऑल्सो मूव डाउन इन योर विंटर्स, ठीक है, फ्रॉम योर हाई एरियाज दे कम डाउन टू योर लोअर लैंड्स, ठीक है, जब आपका विंटर्स हो जाता है. सो दिस वॉज योर कंगारू रैट. देन अगेन वी हैड दिस फॉर योर प्लांट्स, जहाँ पे आपका पानी आपका कम होता है, तो यू हैड योर लीव्स विल बिकम वेरी शॉर्टन, ठीक है, लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर, यू विल हैव मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच विल बी अकरिंग बाय योर स्टेम्स, ठीक है, पॉइंटेड लीव्स आपकी लीव्स हो जाती थी, पॉइंटेड टू बी पॉइंटेड क्यों रहती थी लीव्स, क्यों थॉर्न्स आ जाते हैं, तो ट्रांसपिरेशनल के लिए तो आप छोटा कर लीजिए, सो वाई प्रोटेक्शन फ्रॉम योर अदर एनिमल्स, है ना, जो आपके हर्बीवोर्स हैं दे शुड नॉट कम एंड ईट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट एनर्जी, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यू विल फाइंड कि देर वॉज दोज लीव्स, ठीक है, दे आर रिड्यूस टू योर स्पाइन्स, ठीक है. एंड देन यू हैव द मैमल्स इन अ कोल्डर एरियाज, यू विल फाइंड कि दे हैव वेरी शॉर्ट ईयर्स, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ योर डेजर्ट्स यू हैड वेरी बिग ईयर्स, क्योंकि आपको क्या कहते हैं हीट एमिट करनी होती है ना, उसी तरीके से इन कोल्डर एरियाज यू नीड टू मिनिमाइज योर हीट लॉसेस, ठीक है, तो यू हैव ऑल दीज स्पीशीज इन योर कोल्डर एरियाज दे टेंड टू हैव वेरी स्मॉल ईयर्स, ठीक है. देन द नेक्स्ट विल मूव ऑन टू लाइक ह्यूमंस, यू विल फाइंड की देर इज अनदर टर्म विच वी कॉल्ड इट एज योर एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है, कि आप जब ऊपर मूव करते हैं तो यू विल फाइंड कि एटमोसफियर बिकम्स वेरी थिन, तो हर ब्रेथ में आप जितना ऑक्सीजन लेते हैं इट ऑल्सो रिड्यूसेस, ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि यू विल फाइंड दिस टर्म टू बी वेरी कॉमनली यूज, कि वेन एवर यू आर डूइंग ट्रेकिंग यू हैव अ लॉट ऑफ बेस कैंप्स, ठीक है, एक कैंप यहाँ पे रहेगा फिर नेक्स्ट कैंप वहाँ पे रहेगा, सो इट इज़ डन मेनली टू मेक श्योर योर बॉडी गेट्स एक्लेमेटाइज, कि किस तरीके का इनटेक आपका आ रहा है. इफ़ यू डू नॉट डू दिस वॉट हैपन्स इज कि यू नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो योर हर्ट स्टार्ट बीटिंग वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलेट बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, सो यू अगेन यू स्टार्ट टेकिंग एयर वेरी फास्ट, ठीक है, आपको यू विल फाइंड आइदर डिजीनेस अगर आपका बॉडी इज नॉट एक्लेमेटाइज, ठीक है, यू विल फाइंड कि देर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन विच इज गोइंग टू ऑल द पार्ट्स स्पेशली योर ब्रेन, ठीक है, तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि देर इज काइंड ऑफ अ डिजीनेस, ठीक है, तो दैट इज द रीजन यू विल फाइंड देर इज एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है, यू हैव कि इट रिड्यूसेस योर ऑक्सीजन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है. नहीं नहीं इट इज एन अडेप्टेशन, एक्लेमेटाइजेशन इज योर अडेप्टेशन, योर बॉडी विल डू सच चेंजेस, लेकिन यू नीड टू गिव इट टाइम, ठीक है, दिस इज द रीजन यू विल फाइंड कि अलग अलग जगह पे कैंप्स आपके लगाए जाते हैं, स्पेशली से इन केसेस ऑफ योर, आपने देखा एवरेस्ट का देर वॉज दिस फोटो वेरी रिसेंटली, देर इज अ ट्रैफिक जाम ऑन एवरेस्ट, हैव यू सीन दैट फोटो विद द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एंड यूर बिग कंपनीज नाउ इन प्ले, ठीक है, वॉट दे डू इज कि यू पे दे विल मेक श्योर यू क्लाइंब, ठीक है, इफ़ यू आर फिट एनफ, ठीक है, आपको इवन यू डू नॉट नीड मच ऑफ अ माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस, आप अगर फिट हैं एंड इफ यू आर मनी यू पे देम दे विल मेक श्योर यू क्लाइंब, उसकी वजह से क्या हो गया, देर आर वेरी पीपल हु आर क्लाइंबिंग योर एवरेस्ट, दिस इज अ वेरी फेमस फोटो, यू विल फाइंड मेनी पीपल दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जाम, because you have a very thin air there, you cannot remain seated over there only, and most of the Everest what they do is they try to climb in early morning, ठीक है, आप 2-3 बजे देखेंगे जो final उनका जो base camp है, final base camp से when they go and climb, they climb around your 2-3 AM में they'll start, कि जब तक आपका sunrise होता है तब तक they'll be almost at half से या उससे ज़्यादा या फिर half तक आप पहुँच जाएँ peak के, देन यू गो एंड बी ऑन टॉप, लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग मूव करते हैं एक साथ तो यू हैव पीपल ऑल्सो कमिंग डाउन ऑल्सो पीपल गोइंग अप, सो देर इज दैट ट्रैफिक जैम, विल फाइंड देखिएगा उसमें देर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इनफेमस प्लेसेस, ठीक है, इनफेमस प्लेसेस यू फाइंड येलो बूट्स करके एक जगह है, वेन यू क्लाइंब योर एवरेस्ट जस्ट आफ्टर योर फाइनल बेस कैम्प इट इज सेट टू बी ऑफ अ माउंटेनियर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, अभी तक पता नहीं चला कि कौन थे वो,
बट इट इज अ वेरी फेमस डेड बॉडी विच इज लाइंग देयर, ठीक है. और लोग जो चढ़ते हैं वो जब आते हैं दे डू नॉट हैव दैट एनर्जी टू ब्रिंग इट डाउन, ठीक है, क्योंकि किसी के पास खुद की इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप उठा के उनको नीचे ले आएँ. तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज, जब आप चलते हैं तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज विच विल बी देयर, स्पेशली इट इज़ इन अ केव. तो वो यही कहा जाता है कि इफ़ यू आर, वो जा रहे होंगे प्रॉब्ली, वो थक गए होंगे तो दे नीड टू का शेल्टर देयर, अगर बिकॉज आपका ऑक्सीजन इतना कम था ही माइट हैव फेल्ट डिजीनेस एंड ही वॉज अस्लीप, उसी में ही आपका विंटर बाइट वगैरह कुछ हुआ होगा एंड ही पास्ड अवे, ठीक है. तो उनका जो बूट का कलर था वॉज योर ग्रीन आई गेस, ठीक है. उसी के बेसिस पे द नेम इज देयर ग्रीन बूट्स, आपका जो नाम आता है. इट इज़ वन ऑफ द वेरी डिस्टिंक्ट फीचर. जब आप एवरेस्ट चढ़ते हैं तो जस्ट बिफोर क्लाइंबिंग ऑन द लास्ट पीक यू विल हैव द, ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दिस, ठीक है. यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ पीपल दे हैव डाइड. तो एक्लेमेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. लास्ट टू लास्ट ईयर ओनली आई गेस वन ऑफ द क्लाइंबर ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस ओनली. एक्लेमेटाइजेशन नहीं किया था उन्होंने. ही वॉज, जो बाहर बहुत सारे आप लोग कहते हैं ना कि पागल लोग होते हैं बहुत सारे, तो ही वॉज वन सच पर्सन. ही नेवर क्लाइम्ब्ड एनी माउंटेन एंड ही टोल्ड आई विल क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है. एंड ही वेंट फॉर माउंट एवरेस्ट ऑल्सो एंड ही टोल्ड आई विल क्लाइम्ब इट इन वन गो, ठीक है. सो ही वेंट एंड ही वेंट इन योर इवनिंग ओनली. तो रात में ही मस्ट हैव रीच्ड देयर. व्हाइल रिटर्निंग ही वॉज ऑल्सो डाइड ऑन योर येलो बूट केव ओनली, ठीक है. He was sitting there only. So you will find a lot of, अभी बहुत सारे missions आए हैं, ठीक है. People are paying a lot की शेरपाज वगैरह को, they pay money की to bring back the dead bodies. There are a lot of dead bodies over there. And so this is the reason you will find की whenever you go on mountains, especially you will find dizziness. बहुत ज़्यादा आपको dizziness you will feel if there is a very steep rise. ठीक है, स्लोली स्लोली अगर आप प्राइस करते हैं तो इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल. इसलिए लोग बोलते हैं कि एक दिन में सब पूरा मत कर लीजिएगा, ठीक है. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अ वेरी हायर प्लेस तो ट्राई एंड फाइंड अ ब्रेक इन बिटवीन. एक दिन अपनी बॉडी को दीजिए, ठीक है, बिकॉज योर बॉडी विल नाउ बी इन शॉक अचानक से, ठीक है. अभी तक आप प्लेन्स पे रह रहे थे विच इज़ ऑलमोस्ट 200-300 मीटर्स, सडनली यू गो टू अ प्लेस विच विल बी 4,000-5,000 मीटर्स हाई, ठीक है. तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, है ना. यू हैव एक्सेस ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है. ऑक्सीजन आपके पास बाकी चीजों की एक्सेस है. योर पीएम 2.5 पीएम 10 लेवल्स आर हाई, ठीक है. तो बस यही लगेगा कि व्हेन यू इनहेल यू विल फील वेरी फ्रेश, ठीक है. इफ यू गो इन माउंटेन्स यू इनहेल एयर यू विल फील वेरी फ्रेश, ठीक है. एकदम लगता है कि बहुत ज़्यादा साफ एयर जो है यू आर इनहेलिंग अभी अचानक से. इट फील्स वेरी गुड एक्चुअली इफ यू गो एंड ब्रीथ अ वेरी फ्रेश एयर ना बहुत. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट. यू विल फाइंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही एक्चुअली डाइड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से होता है. दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग्स इन योर ट्रेकिंग, ठीक है. ही वॉज डूइंग ट्रेकिंग ऑफ योर दिस हिमालयाज एंड ऑल, ठीक है. वेल ही वॉज रिटर्निंग, एक रॉक बहुत छोटा सा रॉक इट फेल ऑन हिज हेड, ठीक है. तो नोबडी न्यू, इंटरनल ब्लीडिंग हुई एंड स्लोली व्हेन ही वाज मूविंग डाउन ही कोलैप्स्ड. तो लोगों को लगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी मे बी एंड दे गेव हिम ऑक्सीजन बाय ऑक्सीजन सिलेंडर. तो ऑक्सीजन जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया एनी पास्ड अवे. नोबडी न्यू एक्चुअली, ठीक है. हम लोग को पता चला वी अरेंज द हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, तब तक बाय द टाइम हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रीच ही वाज ऑलरेडी डेड, ठीक है. तो इसीलिए जो आप लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक्सेस ऑल्सो हैज एन इल इफेक्ट, तो इसीलिए सबको नहीं एडवाइस किया जाता है कि इफ़ यू हैव एन ऑक्सीजन सिलेंडर तो आप ऑक्सीजन दे दीजिए किसी को भी तुरंत, ठीक है. इट इज़ मोर ऑफ हाँ तो अगर बियॉन्ड इट विल बी मोर हार्मफुल, ठीक है. तो मे बी देर वॉज एन इंटरनल ब्लीडिंग इन हिज ब्रेन, उसकी वजह से आपने ऑक्सीजन और ज़्यादा दे दिया तो इट माइट हैव एग्रेवेटेड दैट, तो वो हो जाता है.
हाँ तो बिकॉज इट फेल फ्रॉम वेरी, अब कितना छोटा था ये नहीं पता, बिकॉज देट सेड कि देर वॉज नो एक्सटर्नल इंजरी विच वॉज विजिबल एंड यू ऑल्सो टोल्ड कि नहीं आई एम फाइन आई विल मूव. ठीक है, वो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है दर्द दे रहा है बिकॉज पत्थर एक लगा था. सो ही वॉज नॉट अवेयर ही वॉज ट्रैवलिंग. वो होता है ना, हाँ तो किस्मत होता है बिकॉज